हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली किस टाइप का एग्जाम है, आप इसको क्लियर करके आगे फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इसको क्लियर करने के लिए आपको मास्टर्स के अंदर कितने परसेंटेज मार्क्स सिक्योर करने होते हैं और आपको इसको क्लियर करके आप बेसिकली अगर आप JRF क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको JRF की फेलोशिप कितनी मिलती है, JRF की फेलोशिप कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती है, सो इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं हम बेसिकली इसके अंदर सॉल्व करेंगे और इस UGC NET के एग्जाम को अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली किस टाइप का एग्जाम है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस देखनी है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो है ये किस टाइप का एग्जाम है। सो ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। देखिए यहाँ पे बेसिकली इस एग्जाम को NTA कंडक्ट करवाता है जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। नाउ इससे पहले बेसिकली NTA से पहले इसको CBSE कंडक्ट करवाता था इस एग्जाम को और वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता था, बट इस एग्जाम को अब ऑनलाइन कर दिया गया है और ये एग्जाम बेसिकली अब एक साल के अंदर दो बार कंडक्ट किया जाता है जो कि जून महीने में और दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग अगर देख सकते हैं कि आप इसके मास्टर्स के अंदर आपको कितने परसेंटेज मार्क्स सिक्योर करने होते हैं सो दैट आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाए। सो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 55% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं मास्टर्स के अंदर सो दैट वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाए। नाउ ये बेसिकली जो मार्क्स हैं ये विदाउट राउंडिंग ऑफ है। सो अगर आपके 54.99% भी मार्क्स हैं सो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो आपको मिनिमम मार्क्स जो सिक्योर करने हैं यहाँ पे वो करने हैं 55% मार्क्स। नाउ अगर हम रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें सो उनको मास्टर्स के अंदर 50% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करने हैं सो दैट वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं है और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है और आपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है सो आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद विद इन 2 ईयर्स आपको अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करना होता है। अगर आप अपनी मास्टर्स को विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं करते हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट सो बेसिकली आपको जो नेट का सर्टिफिकेट है और जो आपने नेट क्लियर किया है वो इनवैलिड माना जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट को कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर लेक्चरार। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी मास्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, मास्टर्स इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे देखते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सो बेसिकली जो UGC नेट एग्जाम है ये 81 सब्जेक्ट्स के अंदर कंडक्ट किया जाता है और हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिक कोड होता है। सो जैसे कि अगर हम बात करें कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM सब्जेक्ट की सो देखिए यहाँ पे आपका कॉमर्स का कोड है 08, मैनेजमेंट का कोड है आपका 17 एंड HRM का कोड है आपका 55 जिसको लेबर वेलफेयर भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए पहले ये समझिए कि इस एग्जाम के दो पार्ट्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो देखिए जो पेपर 1 होता है आपका ये जनरल पेपर होता है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और जो आपका पेपर 2 होता है वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जो भी आपने मास्टर्स के अंदर स्टडी किया है। सो देखिए पेपर 1 जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर टीचिंग रिसर्च और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो देखिए इसके अंदर जो आपका पेपर 1 का वेटेज है उसके अंदर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो पेपर 2 है आपका उसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं सो ये आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं इसके अंदर। सो देखिए टाइम ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और इस 3 घंटे के अंदर आपको दोनों पार्ट दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को अटेम्प्ट करना होता है। सो आप पेपर 1 को विद इन 1 आवर अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेपर 2 को आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई टाइम लिमिट दी गई है कि पेपर 1 के लिए आपको 1 आवर ही मिलेगा, पेपर 2 के लिए आपको 2 आवर्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। विद इन 3 आवर्स आपको जो टोटल 3 आवर्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही अटैम्प्ट करना है। सो आप जिस एग्जाम को ईजिली अटैम्प्ट कर पाते हैं आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है, दैट इज 1 घंटे का टाइम उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है अगर उनके साथ कोई स्क्राइब है तो।
नाउ सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं. सो बेसिकली अभी तक NTA ने 263 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है NTA नेट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए. अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिटीज हैं, यहाँ से आपको चार सिटी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी होती हैं कि आप कौन सी सिटी के अंदर अपना एग्जाम आप देना चाहते हैं. चलिए एग्जाम सेंटर. अब जब आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ साथ क्या लेके जा सकते हैं. तो सबसे पहले आपको रखना है अपने साथ एक वैलिड आईडी कार्ड. सो उसके अंदर आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है. आप अपना पैन कार्ड भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं. नाउ अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए बेसिकली इस एग्जाम सेंटर के अंदर पेन भी अलाउड नहीं होता है. सो वहाँ पे आपको पेन जो है रफ वर्क के लिए वो सेंटर ही प्रोवाइड करता है. नाउ जो स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स बेसिकली डायबिटिक हैं, जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो बेसिकली अपने साथ फ्रूट्स, टैबलेट्स एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं. सो देखिए एज लिमिट यहाँ पे नेट एग्जाम के लिए, बेसिकली अगर आप लेक्चरारशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है. आप जितने भी एज के हों आप नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगर हम JRF एग्जाम की बात करें, सो JRF के लिए एज लिमिट है आपकी 30 ईयर्स. सो बेसिकली अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हैं फॉर परस्यूइंग PhD, सो बेसिकली यहाँ पे आपको 30 ईयर्स दैट इज 30 साल से पहले आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, तभी आप JRF के लिए एलिजिबल हो पाएंगे. नाउ अब इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एज वेल एज जो भी स्टूडेंट्स LLM डिग्री होल्डर हैं, बेसिकली जिनकी भी मास्टर्स हो रखी है इन लॉ. सो उनके लिए 5 years एंड 3 years का रिलैक्सेशन है. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं दैट इज SC, ST एंड OBC, उनके लिए 5 years का रिलैक्सेशन गिवन है यहाँ पे. बट यहाँ पे अगर आपका LLM डिग्री होल्डर हैं आप, सो यहाँ पे आपको 3 years की रिलैक्सेशन दी गई है. सो आप यहाँ पे 33 years तक एलिजिबल हैं कि आप UGC नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं विद JRF. और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास 35 years का टाइम है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में NTA ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ आप अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. बट यहाँ पे जो JRF की अभी हमने डिस्कस किया कि जो JRF की एज लिमिट है वो रखी गई है. सो आपको बिफोर 30 years ऑफ एज आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा. फॉर JRF नेट के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं फॉर क्वालिफाइंग नेट एग्जाम. सो देखिए यहाँ पे कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं. बेसिकली यहाँ पे जो जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं उसके टॉप 6% कैंडिडेट्स हैं वही इस एग्जाम को क्वालिफाइड माने जाते हैं. नाउ यहाँ पे JRF के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि बेसिकली कितने परसेंटेज जो कैंडिडेट्स होंगे उनको JRF क्वालिफाइड माना जाएगा. इसको बेसिकली NTA ही डिसाइड करता है कि कितने परसेंटेज या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को JRF क्वालिफाइड माना जाएगा. बट नेट के लिए यहाँ पे आपको 6% का क्राइटेरिया गिवन है. चलिए अब बात करते हैं JRF की वैलिडिटी की. अब मान लीजिए आपका JRF क्लियर हो गया है, सो आप उसकी वैलिडिटी कब तक है, आप उसको कब तक यूज कर सकते हैं. सो देखिए अगर हम नेट एग्जाम की बात करें, सो अगर आपका एक बार नेट क्वालिफाई हो चुका है सो आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा. आप उस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर लेक्चरर. बट अगर आपका JRF क्वालिफाई है और आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो जिस दिन आपका JRF का रिजल्ट आया है उससे लेके नेक्स्ट 3 years तक आप एलिजिबल होते हैं कि आपको विद इन नेक्स्ट 3 years आपको PhD के अंदर या MPhil के अंदर एडमिशन ले लेना है सो दैट आप उस JRF की फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाएं. अगर आपका जो टाइम स्पेन है वो 3 years से ज़्यादा होता है सो यहाँ पे आपकी JRF की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है. सो आपको दोबारा से इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा सो दैट आप JRF के लिए दोबारा एलिजिबल हो पाएँ. चलिए आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट की. सो देखिए बेसिकली आपको नेट का अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और JRF का अलग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है. सो देखिए जो आपका नेट का सर्टिफिकेट होता है ये आपका रिजल्ट के डिक्लेयर होने के आफ्टर 3 months जो है ये ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है बाई NTA. और जो JRF का आपका अवार्ड लेटर है वो बेसिकली बाय पोस्ट आपके घर पे जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा है अपने NTA नेट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको भेजा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्शन की बात करते हैं. देखिए जब भी आप NTA नेट एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं सो उसके रिजल्ट के साथ साथ NTA अपनी आंसर शीट भी प्रोवाइड करता है. उसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है सो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जिसके लिए आपसे 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन चार्ज किया जाता है. सो आप उसको देख सकते हैं. चलिए
अब बात करते हैं फेलोशिप अमाउंट की। सो बेसिकली आपको फेलोशिप कितना प्रोवाइड किया जाता है अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली अभी रिसेंट चेंज किया गया था इसके अंदर। अब जो आपकी JRF फेलोशिप है जनवरी 2019 के बाद से जो आपको JRF की फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी वो बेसिकली होगी 31,000 प्लस HRA। सो 31,000 आपको बेसिक JRF प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपके HRA भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपकी सिटीज़ जो बेसिकली आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं कौन सी सिटी में आप अपना PhD परस्यू कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसका आचार्य आपका डिफरेंट होगा। अगर आपको नॉन मेट्रो सिटीज़ में या सेमी अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं तो उसके लिए आपका JRF अलग होगा। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। सो देखिए जो जून 2019 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया था NTA ने यहाँ पे बेसिकली जो एप्लीकेशन फ़ीस थी इस एग्ज़ाम के लिए वो थी 800 rupees फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 400 rupees फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 200 rupees फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। सो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फ़ीस है। सो इस एप्लीकेशन फ़ीस को बढ़ाया भी जा सकता है। सो इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है NTA ने कि इस बार की जो दिसंबर 2019 का अटैम्प्ट है इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। सो जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।